नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान का समय अधिसूचित किया। निर्वाचन आयोग ने कहा कि नक्सली हमले के बावजूद छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट के लिए मतदान तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने 10 आधार अंकों के साथ 30 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर ब्याज दरों में कटौती की। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को कल रात चेन्नई में 7 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा चुनाव के लिए कल होने वाले प्रथम चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 91 सीटों के लिए मतदान होगा। इस दौरान आंध्र प्रदेश में 25, उत्तर प्रदेश में 8, महाराष्ट्र में 7, उत्तराखंड और असम में 5-5, बिहार और ओडिशा में 4-4, जम्मू कश्मीर, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय और पश्चिम बंगाल में 2-2 तथा छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में 1-1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी एक ही चरण में मतदान कराया जा रहा है। इस चरण में ओडिशा विधानसभा की 147 सीटों में से 28 सीटों के लिए भी वोट पड़ेंगे। निर्वाचन आयोग ने कल लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान का समय अधिसूचित कर दिया है। अधिकांश संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, परंतु माओवाद प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में मतदान का समय विभिन्न स्थानों पर सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे, सवेरे 7 बजे से शाम 4 बजे और सवेरे 7 बजे से शाम 3 बजे तक अलग अलग रखा गया है। आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सवेरे 7 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा पश्चिम में सवेरे 7 से शाम 5 बजे तक, जबकि बाहरी मणिपुर, नागालैंड और मेघालय में मतदान का समय सवेरे 7 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 8 संसदीय सीटों के लिए प्रचार अभियान कल शाम समाप्त हो गया। मतदान कल होगा। सुरक्षा बलों ने संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने तक शराब की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड से लगी सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। पहले चरण में गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बागपत, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कैराना में मतदान होगा। इस चरण में कुल 96 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस बीच अमेठी संसदीय सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज नामांकन भरेंगे, जबकि भाजपा नेता स्मृति ईरानी कल पर्चे दाखिल करेंगी। अमेठी में 5वें चरण में मतदान होना है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी कल रायबरेली संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगी। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। 52 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें अल्मोड़ा सुरक्षित सीट से केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा और नैनीताल से कांग्रेस महासचिव हरीश रावत शामिल हैं। बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकसभा चुनाव के साथ ही नवादा विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव कराया जा रहा है। नवादा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान लोकसभा चुनाव के साथ कल होगा। पहले चरण में जहां मतदान हो रहा है उनमें अधिकांश इलाके नक्सल प्रभावित हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए हरेक मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। पश्चिम बंगाल में कल आम चुनाव के पहले चरण में कूच बिहार और अलीपुरद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोट पड़ेंगे। राज्य निर्वाचन विभाग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के सभी आवश्यक उपाय कर लिए हैं। राज्य में इस चरण के दौरान लोकसभा की 2 सीटों के लिए 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
दो सीटों के लिए 3,800 मतदान बूथ पर 34,51,000 से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, वाम दल और कांग्रेस ने अलीपुर द्वार सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। 2014 में ये सीट तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी, जबकि भाजपा दूसरे नंबर पर रही थी। पश्चिम बंगाल से अभिजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से बलवीर सिंह गुलाटी। ओडिशा में पहले चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 60,03,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि 7,233 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 2,335 संवेदनशील केंद्रों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एक रिपोर्ट। 4 लोकसभा सीटों कलाहंडी, नवरंगपुर, ब्रह्मपुर, कोरापुट और इन चारों संसदीय सीटों के तहत आने वाली 28 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कल होगा। मतदान इस चरण में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों चुनाव लड़ रहे 217 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करेंगे। माओवादी इलाकों में शांतिपूर्ण चुनाव आयोजन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए संबलपुर से एसएन पटनायक। तेलंगाना में चुनाव अधिकारी 17 लोकसभा सीटों पर कल होने वाले चुनाव की अंतिम तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने अतिरिक्त चुनाव कर्मी और सैकड़ों इंजीनियर तैनात किए हैं। 2,97,00,000 से अधिक मतदाता कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आम चुनाव से संबंधित विशेष चर्चा जनादेश 2019 प्रसारित कर रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रतिदिन शाम 4:05 से 4:30 तक सुना जा सकता है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए कुल 253 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। इस चरण के लिए कल नामांकन के अंतिम दिन 116 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी और शुक्रवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बिहार में चौथे दौर के लोकसभा चुनाव के लिए 106 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। नामांकन के अंतिम दिन कल 55 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बेगूसराय संसदीय सीट से नामांकन दाखिल किया है। नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी और उम्मीदवार 12 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 452 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। इस चरण में 17 निर्वाचन क्षेत्रों में 29 अप्रैल को मतदान होगा। कल पर्चे भरने का अंतिम दिन था। मध्य प्रदेश में 6 संसदीय क्षेत्रों सीधी, शहडोल, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा के लिए 130 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। इन संसदीय क्षेत्रों में चौथे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस चरण के दौरान 7 राज्यों के 51 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट पड़ेंगे और 22 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 6 मई को कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा क्षेत्र में तय कार्यक्रम के अनुसार ही लोकसभा चुनाव होंगे। इस क्षेत्र में कल नक्सलियों ने हमला किया था। आयोग ने कहा है कि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने प्रभावित जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तत्काल बैठक की और चुनाव के मद्देनजर अगले कुछ दिन के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने के निर्देश दिए। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ऋण दरों में मामूली 5 आधार अंक की कमी की है। 17 महीनों में एसबीआई की ये पहली कटौती है। बैंक ने 30 लाख रुपए तक के आवास ऋण को 10 आधार अंकों के संशोधन के साथ फिर से तय किया है। अब ऐसे आवास ऋणों पर ब्याज दर 8.6 से 8.9% के बीच होगी। आईपीएल क्रिकेट में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स 6 मैचों में 5 मैच जीतकर तालिका में फिर शीर्ष पर आ गई है। आज मुंबई में रात 8 बजे किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसराइल में कल संपन्न हुए आम चुनावों के बाद मतपत्रों की गिनती जारी है। मतदान बाद सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और बेनी गेंट्स की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के बीच कड़े मुकाबले की संभावना व्यक्त की गई है। आधिकारिक परिणाम आज घोषित होने की आशा है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद चंद्रिका। अखबारों ने मतदान के प्रथम चरण से पहले राजनीतिक दलों के व्यापक प्रचार की खबरें चित्र सहित दी हैं। अमर उजाला ने इसे सत्ता संग्राम लिखा है। हिंदुस्तान लिखता है प्रचार थमा, अब जनता की बारी। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं प्रचार खत्म, उठे कई विवाद। मतदान से दो दिन पहले दंतेवाड़ा में बुलेट प्रूफ गाड़ी को निशाना बनाकर किए गए नक्सली हमले की खबर सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान ने खबर को शीर्षक दिया है दुस्साहस। देशबंधु ने लिखा है आयोग ने कहा आयकर विभाग निष्पक्षता से कार्रवाई करे। निर्वाचन आयोग ने आयकर विभाग के छापों पर संज्ञान लेते हुए विस्तृत ब्यौरा मांगा, लिखता है हिंदुस्तान। इकोनॉमिक टाइम्स की पहली सुर्खी है केंद्र ने कहा किसी राजनीतिक दल को निशाना नहीं बना रहे, संबंधित सचिवों ने सफाई दी। दैनिक भास्कर ने चुनाव खास शीर्षक से आलेख में लिखा है दुनिया के 1600 पर्यटक भारत में सिर्फ चुनाव देखने आए हैं, इनमें डॉक्टर, वकील, शोधकर्ता, छात्र और पत्रकार शामिल हैं। पत्र ने लिखा है सबसे बड़े लोकतंत्र में आम चुनावों को समझने और देखने की उत्सुकता दुनिया के लोगों में बढ़ी है। नवभारत टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, देशबंधु और दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले को पहले पन्ने पर दिया है कि प्रताड़ना से पीड़ित महिलाएं कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकती हैं। नवभारत टाइम्स ने बैसाखी के मौके पर करीब 2000 सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान में होने वाले वार्षिक समारोह में शामिल होने के लिए वीजा दिए जाने की खबर दी है। अमर उजाला ने नासा के शोध के हवाले से लिखा है अंतरिक्ष में यात्रियों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा रहता है क्योंकि पृथ्वी से अधिक जीवाणु और बैक्टीरिया अंतरिक्ष में है मौजूद। दैनिक ट्रिब्यून ने कल सीआरपीएफ दिवस पर जवानों को सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का चित्र दिया है। दैनिक जागरण और अमर उजाला ने इसराइल में संसद के लिए हो रहे मतदान और वहां की राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से आलेख दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान का समय अधिसूचित कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि नक्सली हमले के बावजूद छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट के लिए मतदान तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। भारतीय स्टेट बैंक ने 30 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर ब्याज दरों में 10 आधार अंक की कटौती की है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।